गाइज, अगर आपके फोन में भी स्मार्ट डायल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब वीवो के फोन में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, स्मार्ट डायल का ऑप्शन आ जाता है, तो गाइज इस दिक्कत से आज मैं आपको निवारण देने वाला हूँ। इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके फोन में भी स्मार्ट डायल का ऑप्शन आ गया है तो पूरा कंप्लीट A to Z बताऊंगा कैसे आप उसको हटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपके फोन में भी स्मार्ट कॉल का ऑप्शन आ गया है तो गाइज इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ कैसे आप इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो गाइज इसके लिए अपने फोन से सिम को हटाना होगा। अपने स्लॉट को पहले ओपन करिए, उसके बाद जितने भी सिम लगे हैं या SD कार्ड लगे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद गाइज अपने फोन में स्लॉट को सेट कर देना है बिना सिम लगाए हुए। उसके बाद गाइज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना है। ध्यान रहे, वीडियो को स्किप ना करिएगा। एक एक वीडियो में जो एक एक मिनट है कंप्लीट यहां पर सोल्यूशन बताया गया है। तो गाइज उसके बाद आपको सिम स्लॉट सेट करने के बाद आपको अपने डायल पैड में जाना है। डायल पैड में आपको गाइज सर्च वहां पर टाइप करना है 112 112। जैसे आप टाइप करेंगे यहां पर इमरजेंसी कॉल लगने लगेगी। गाइज इमरजेंसी कॉल लगने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इमरजेंसी कॉल लगने के बाद उसको कट कर देना है। उसके बाद गाइज आपको फिर से फ्लाइट मोड लगा के सेट करके आपको बताता हूँ। फ्लाइट मोड लगाने के बाद आपको सही समझ में आएगा, जैसे कि आपके फ़ोन में अभी सिम नहीं लगा है उस तरह काम करेगा मेरा भी फ़ोन। तो गाइज इसके बाद आपको डायल पैड में जैसे कि मैंने बताया कि 112 डायल करना है, इमरजेंसी कॉल लग जाएगी, उसके बाद उसको कट कर देना है। जैसे आप कट करेंगे गाइज उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है, मतलब कि स्विच ऑफ करके उसको ऑन कर देना है। जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे बिना सिम लगाए हुए, उसके बाद आपको गाइज अपने सेटिंग में चले जाना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जैसे जाएंगे गाइज आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, चाहे आपका फ़ोन दूसरे कंपनी का होगा या दूसरे मतलब कि दूसरे डिवाइस का होगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं दिखेगा। लेकिन आपको गाइज सर्च बार में जाना है और यहाँ पर ऐप्स सर्च करना है। ऐप्स जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑल ऐप्स में जाना है। ऑल ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगा। ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में आपको ऑल ऐप्स देखने को मिलेगा। ध्यान रहे गाइज पूरा एक एक ट्रिक आपको समझना है। ऑल ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन के सिस्टम में चले जाना है। आपको फ़ोन पर क्लिक कर देना है। फ़ोन पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर गाइज आपको ये नोटिफिकेशन क्लियर कैचे या स्टोरेज एंड कैचे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लियर स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे आपका जितना भी स्टोरेज होगा आपके फ़ोन के सिस्टम में वह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद गाइज आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अपने फ़ोन को फिर से स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद गाइज अपने सिम को सेट करना है। अपने सिम को सेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑन करना है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो आप डायल पैड में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो वहाँ पर सोल्यूशन होगा वह आपके लिए आंसर बनके एकदम तैयार हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो कमी होगी वह दूर हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए, जिससे मैं अगली वीडियो लाऊँ आपके लिए सोल्यूशन ही रहे। धन्यवाद।